पूरा आईपीएल पानी पिलाते पिलाते निकल गया, पर पांड्या ने एक मौका तक नहीं दिया। बेंच पर बैठा बैठा खेलने के लिए तरस रहा है अर्जुन तेंदुलकर, पर टीम में कोई पूछता तक नहीं है। नौकर जैसी हो गई है वैल्यू। रोहित के राज में खूब मिले थे मौके, पर पांड्या तो इसके तरफ देखता तक नहीं। अब अचानक रोते रोते छोटे तेंदुलकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, हिल गई पूरी एमआई। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों अचानक रोहित शर्मा, जो कि यहां पर तेंदुलकर को पिक करते थे, और अचानक हार्दिक को कप्तान बनाने के बाद उन्हें ड्रॉप किया, तो यहां पर अर्जुन तेंदुलकर रोते रोते बड़ा ऐलान कर चुके हैं। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं अर्जुन तेंदुलकर या फिर मुंबई और रोहित के फैन, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आईपीएल अपने आखिरी चरम पर आ गया है, और आईपीएल में यहां पर दोस्तों एक टीम थी जिसने अपने औहदे के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, और वो टीम है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस इस समय पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है, और मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल के हिसाब से देखा जाए तो अब आईपीएल के प्लेऑफ में नहीं जा पाएगी, और वो एलिमिनेट हो चुकी है। आईपीएल से बाहर होने का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है उनकी खराब कप्तानी का, खराब कप्तानी जो कि हार्दिक पांड्या ने की थी। हार्दिक पांड्या ने इतनी खराब कप्तानी की दोस्तों कि मुंबई इंडियंस जो इतनी सफल फ्रेंचाइजी थी वो टीम पूरी तरीके से असफल हो गई, और आज इसकी हालत अगर आप देखोगे तो वो टीम 8वें स्थान पर पहुंच गई है। और उसी खराब कप्तानी का नतीजा ये रहा है दोस्तों कि मुंबई इंडियंस के खतरनाक खिलाड़ी जिसको रोहित शर्मा अपने राज में हर मुकाबले में पिक कर रहे थे, उसको हार्दिक पांड्या ने पिक तक नहीं किया। और वो खिलाड़ी कोई ऐरा गहरा खिलाड़ी नहीं है, वो खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर जो कि मुंबई इंडियंस के लिए पिछले 3 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और मुंबई इंडियंस की टीम में बने भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों पिछले सीजन रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में अर्जुन तेंदुलकर को काफी सारे मौके दिए थे। यहां पर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को रोहित ने लगभग हर दूसरे मैच में पिक किया था। भले ही अर्जुन अपनी गेंदबाजी से कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन तेंदुलकर को यहां पर हर मुकाबले में मौके दिए जा रहे थे। अब यहां पर इतने खराब प्रदर्शन को यहां पर दोस्तों देखे हुए, जो कि बहुत खराब था भी नहीं, उसके बाद यहां पर दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर को सीधे टीम से ड्रॉप कर दिया। हार्दिक पांड्या जैसे ही कप्तान बनते हैं उन्होंने दोस्तों अपने आप को बेहतर ऑलराउंडर मानते हुए यहां पर अर्जुन तेंदुलकर को ड्रॉप कर दिया। अर्जुन तेंदुलकर जो कि यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते थे और अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या जब खुद कप्तान बने तो उन्होंने कहा चलिए छोड़िए, जितने भी अदर ऑलराउंडर उनको निकालते हैं और मैं केवल अच्छा ऑलराउंडर बनकर रहूंगा। अब अर्जुन तेंदुलकर के इस खराब प्रदर्शन के बाद, इस खराब फैसले के बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। अर्जुन तेंदुलकर ने क्लियरली बोल दिया है कि आने वाले आईपीएल में, यानी आईपीएल 2025 में अगर रोहित भाई कहेंगे तो मैं टीम में रुकूंगा, वरना अगर हार्दिक पांड्या मेरे साथ इसी तरीके से बर्ताव करते रहेंगे तो मैं आने वाले आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस का पार्ट नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस खराब प्रदर्शन कर रही है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पिक करने वाली है। अब ऐसे में दोस्तों हार्दिक पांड्या जिस तरीके से अर्जुन को नकार रहे थे, और अर्जुन ने ये बड़ी बात बोलकर सबको चौंका दी। वैसे आप किस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।